किसान भाई, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। जी हाँ, आलू मिट्टी की ऊपरी सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए बुआई से पहले 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या 40 से 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर जुताई करें। इसके अलावा खेत की उर्वरता के अनुसार 120 से 150 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 से 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय या रोपनी के समय आलू की पंक्तियों में ही डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि खाद और आलू के कंद में सीधा संपर्क न हो। इसके बाद नेत्रजन की बची हुई आधी मात्रा का प्रयोग मिट्टी चढ़ाने के समय कर सकते हैं।